तो दोस्तों चलो अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4 लास्ट एक्सरसाइज है, इस लेसन का भी लास्ट एक्सरसाइज है और इसके साथ हमारा लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ, अपना टेक्स्ट बुक साथ में रखना। इफ टू कॉइन आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, और उसमें दो इवेंट दिया हुआ है, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड और दूसरा दिया गेटिंग नो हेड। ओके, इफ टू कॉइन आर टॉस्ड, अगर दो कॉइन हम एक साथ उड़ाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली वो मुझे फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आता है, इतना सिंपल है, ऐसे ही दिया हुआ, मतलब ये उन लोगों के लिए दिया बच्चे जो एवरेज है, अगर ये लेसन अच्छे से करेंगे तो आराम से एवरेज से ऊपर चले जाओगे। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दोस्तों, इफ टू कॉइन आर टॉस्ड, अगर दो कॉइन हम एक साथ उड़ाते हैं तो हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, हेड हो सकता है दोनों में हेड आए, या तो एक में हेड आए दूसरे में टेल आए, या तो पहले वाले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या तो दोनों में टेल आए। ओके, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। ओके, लेट इवेंट ए इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, पहले में चलो इवेंट का नाम देखो दोस्तों, इसमें गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, इसमें इवेंट का नाम नहीं दिया था, इसलिए मैंने इवेंट का नाम खुद से लिया हुआ है, लेट इवेंट ए इज गेटिंग एट, बाकी वाला जो आपके बुक में लिखा हुआ है, जो आपका टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में वही वाला मैंने आगे लिखा हुआ है। तो इवेंट का नाम मैंने ए दिया, आपको जो अच्छा लगा, आपको पी अच्छा लगे तो आप पी लिख सकते हो। ओके, इवेंट ए इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड रहना चाहिए, उससे ज़्यादा रहा तो भी चलेगा, एटलीस्ट मैं बार बार बता चुका हूँ, एटलीस्ट मतलब मम्मी से मैं 10 रुपये कम से कम मांग रहा हूँ, मम्मी कम से कम 10 रुपये, मम्मी 200 रुपये दे देगी तो भी चलेगा ना, 200 रुपीज़ देगी तो भी, तो एटलीस्ट जो दिया है वो तो रहना चाहिए, उससे ज़्यादा रहा तो भी चलेगा। ओके, तो दोस्तों एक हेड, एक से ज़्यादा वाला हेड भी चलेगा, तो ये दोनों भी हम लिखेंगे, देन हेड टेल, ओके टेल हेड, ओके ये तो नहीं चलेगा, तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया, टोटल 3। अब इसी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था, देखो लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है, ए का। तो दोस्तों क्या करना है, इसी के नंबर ऑफ ए को नंबर ऑफ एस से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ ए मतलब कितना आया है, इवेंट ए में टोटल नंबर कितना, 3, और नंबर ऑफ एस कितना है, 4। तो दोस्तों हमारा ये आंसर हो गया, पी ऑफ ए इक्वल 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 3/4। लेट इवेंट बी इज गेटिंग नो हेड, जिसमें हेड नहीं है, तो इवेंट का नाम मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ आर दे सकते हो, तो बी, लेट इवेंट बी इज गेटिंग नो हेड, किसके अंदर हेड नहीं है, एक ही है ना इवेंट, टी। ओके, तो ये कितना आ गया, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 1। बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे एक्स्ट्रा दिमाग वाले इसको 2 लिख देते, भाई ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये एक बार कॉइन टॉस किया तो इसको 1 काउंट करते, इसको 2 काउंट करते, इसको 3, इसको 4, तो कितना आ गया, एन ऑफ बी 1 हो गया। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब हमें इसका फाइंड करना है, तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए, सबको सैंपल स्पेस से डिवाइड करो, जिसका फाइंड करना उसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी कितना है 1, एन ऑफ एस कितना है 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारा 1/4 हो गया। क्या आ गया, ये हो गया हमारा 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ टू डाइस आर रोल्ड, अगर हम दो डाइस एक साथ फेंकते हैं तो क्या होने वाला है, तो हमें उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड का, हर इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है दोस्तों। तो उसमें फर्स्ट जो दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10, सम करने पे वो किया था ना ऐसा, दोनों को सम करने में 10 आना चाहिए, द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33, दोनों को सम करने में कितना आना चाहिए 33, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर दैन डिजिट ऑन द सेकंड डाइस, मतलब फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए फर्स्ट वाला डाइस। तो करते हैं दोस्तों, आपको सिंपली से मैसेज करना है, पहले लिख देना है 2 डाइस आर रोल्ड, फिर उसका ये इवेंट लिखना है करके, जो दोस्तों सेम टू सेम जैसा बुक में लिखा, बस यहाँ इवेंट का अभी ये एक्सरसाइज में इवेंट को नाम नहीं दिया है, तो बस हमने इवेंट को नाम दिया, लेट द इवेंट ए आगे वाला क्वेश्चन, लेट द इवेंट बी आगे जो क्वेश्चन, लेट द इवेंट सी आगे वाला क्वेश्चन। ओके, और सैंपल स्पेस वाला तो ऐसे ही हमने सेम टू सेम छाप दिया है, तो दोस्तों ऐसे ही करना है, ये सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, ध्यान देना क्या अच्छे से, इफ टू डाइस आर रोल्ड, अगर दो डाइस एक साथ हम उड़ाएंगे तो आपको सबको पता है 36 सैंपल स्पेस आएगा, ये हमने किया हुआ है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4,
1516. तो वन का सीजन खत्म हो गया, अब टू के सीजन को लाते हैं. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. आप बेसबुक आप अपने नोटबुक में कैसे लिखना, पहले वन वाला देना, उसके नीचे टू वाला, देन थ्री वाला, ऐसे करके लिखना, क्योंकि मेरे पास जगह ऐसा है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ. 2-4 देन 2-5 देन 2-6. ओके 2-6. और दोस्तों थ्री वाला 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6. तो सिक्स तक, ढाई में सिक्स तक ही होता है, थ्री की सीरीज खत्म. और 4-1, 4-2, 4-3, 4-3, 4-4, 4-5, लास्ट हमारा 4-6. ओके फोर वाली सीरीज भी खत्म हो गई. अब दोस्तों 5-1, 5-2 कैसे लिखना बढ़ रहा है मेरे को, 4-3, 5-3 सॉरी, 5-4, 5-5, 5-6. ओके हाँ दोस्तों सिक्स, क्योंकि सिक्स तक ही होता था, सिक्स तक ही सीरीज लिखनी है. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 एंड 6-6. ओके और कर्ली ब्रैकेट क्लोज. ओके तो टोटल अगर आप काउंट करोगे आपको पता ही है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. यहाँ दूसरे कलर में लिखता हूँ नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, वैसे हमारा कैमरा बहुत क्लियर है तो आपको दिख रहा होगा. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितना आ जाएगा, 36. कितना आ जाएगा दोस्तों, 36. अब दोस्तों लेट द इवेंट ए इज द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट 10. इवेंट ए इज सम ऑफ, सम करना है दोनों डाइस जो आया है, दोनों डाइस को सम करना है. ऑन द अपर फेसेस एट लीस्ट 10, फिर से एट लीस्ट 10 है, मतलब सम करने पे कम से कम 10, उससे ज्यादा रहा तो चलेगा. कम से कम 10 उससे ज्यादा रहा तो चलेगा, कम से कम 10 उससे ज्यादा रहा तो चलेगा. तो बताओ किसको प्लस करने पे 10 आता है, या तो नहीं आएगा 6-1 नहीं आएगा, 2-3, 2-4, 3-4, 5-6 नहीं, 6-7-8 नहीं नहीं नहीं, 4-3 नहीं, 6-3-9 नहीं, 4-1 नो नो नो. ओके 4-4-8 4, हाँ 6-4 आ गया पहला. तो दोस्तों इवेंट का नाम लिखता हूँ मैं, प्लस करने में कितना चाहिए 10, तो 4-6 पहला हमारा 4-6 4-6 हो गया. लाइन वाइज ही जाने का दोस्तों, जल्दबाजी नहीं दिखाने का. देन 5-5 5-5 देन 5-6. दोस्तों मैंने 5-6 क्यों लिया है, आपको पता है कि एटलीस्ट 10, मतलब 10 प्लस करने पे 10 रहा तो 10 तो एटलीस्ट 10 तो चाहिए ही, उससे ज़्यादा रहा तो भी चलेगा. तो 5-6 कितना होता है 11, तो वो चलेगा. 6-1 नहीं है, 6-2 नहीं है, 6-3 है, 6-4 है, 6-4 है, 6-5 भी है और 6-6 भी है. ओके दोस्तों क्योंकि 6-6 कितना 12, एटलीस्ट 10 उससे ज़्यादा रहा तो चलेगा. तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6. तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया, 6 आ गया. तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, पी ऑफ ए इक्वल एन ऑफ ए, इसी को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड करने के, इस जो इवेंट पूछा उसी इवेंट को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से क्या करना है, डिवाइड करना है. तो चलो डिवाइड करो, नंबर ऑफ ए कितना था 6 6 अपॉन 36 6 अपॉन 36 6 1 6 6 6 36. तो पी ऑफ ए दोस्तों कितना आ गया हमारा 1 अपॉन 6 1 अपॉन 6. ये हो गया हमारा एकदम सिंपल. अब दोस्तों लेट द इवेंट बी इज द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33. यही ये कैसे हुआ, ज़्यादा ज़्यादा हम लास्ट में प्लस करेंगे तो 6-6, ये लास्ट में 6-6 है, 6-6 प्लस करेंगे तो कितना 6-6 12 होगा ना, 33 थोड़ी होगा, 6-6 कितना होने वाला 12 होने वाला है. तो ये आपको पता है नल सेट है, ये इवेंट में कोई आंसर नहीं आएगा, तो हम इसको एम्प्टी लिखेंगे. कैसे, बी इक्वल टू, ओके कुछ नहीं है. ओके अब नंबर ऑफ बी हमारा क्या है, 0. नंबर ऑफ बी क्या है, 0. ओके अब हम इसका फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, पी ऑफ बी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ बी कितना आ गया 0 और एन ऑफ एस कितना आ गया 36. 0 अपॉन 36 क्या होगा 0, तो पी ऑफ बी हमारा क्या जाएगा 0. दोस्तों क्योंकि प्लस करने में 33 कहाँ आएगा भाई, यहाँ तो गरीबों के पास
ये गरीबी है यहाँ तक, ये 6 6 12 ही होता है, कहाँ 13 आएगा, आएगा ही गरीबी है मैम, 33 कहाँ आएगा, तो बहुत लंबा दूरी है। लेट द इवेंट सी इज द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाइस, पहला वाला डाइस बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले डाइस के कंपैरिजन में, तो कौन कौन सा आएगा, चलो हम लिखते हैं। पहला पहला वाला बड़ा चाहिए, पहला वाला बड़ा चाहिए, तो ये सब पहला वाला बड़ा नहीं है, यहाँ 2 1 पहला आएगा 2 1 ओके, 2 2 इक्वल है नहीं चलेगा, पहला वाला बड़ा रहना चाहिए दोस्तों, तो आप ये इसमें वाला तो कोई नहीं चलेगा कि पहला यहाँ वाली 2 1 2 बड़ा था, अब 2 2 2 क्या हो गया, 3 से छोटा है, पहला वाला डाइस बड़ा होना चाहिए तो इसमें नहीं रहेगा। अब 3 वाली सीरीज देख लो, तो 3 1 देखो दोस्तों ध्यान दो, पहला वाला डाइस क्या बड़ा नंबर आना चाहिए, 3 2 भी चलेगा क्योंकि पहले वाले डाइस से दूसरा वाला डाइस बड़ा है, 3 3 नहीं चलेगा, अब तो सब छोटा आ गया आगे वाला डाइस। अब आगे बढ़ते हैं 4 1 पहला वाला डाइस बड़ा है, 4 2 भी आएगा, 4 3 भी आएगा क्योंकि पहला वाला डाइस बड़ा है, 4 4 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल नहीं चाहिए दोस्तों। आगे 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 अब 5 वाली सीरीज, 5 1 बड़ा होगा, 5 2 बड़ा होगा, 5 3 बड़ा होगा, 5 4 बड़ा होगा, 5 5 नहीं चलेगा हाँ क्योंकि 5 5 इक्वल हो जाता। अब 6 वाली सीरीज, 6 1 पहला वाला डाइस बड़ा होगा, 6 2 पहला वाला डाइस बड़ा होगा, 6 3 पहला वाला डाइस बड़ा होगा, 6 4 पहला वाला डाइस बड़ा होगा, 6 5 पहला वाला डाइस बड़ा होगा, 6 6 नहीं चलेगा। तो दोस्तों इसमें क्या था, क्या लिखा है, डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकंड डाइस, फर्स्ट डाइस के कंपैरिजन में सेकंड डाइस के कंपैरिजन में फर्स्ट डाइस क्या होना चाहिए बड़ा। आप मुझे मजबूरी में ये वाला रफ करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला नहीं करूंगा क्योंकि ऊपर सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, तो ये नहीं रफ करूंगा, ये वाला पहला वाला इवेंट रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल गया है, नहीं तो फिर मुझे पूरा फिर से वो करना पड़ेगा दोस्तों। ओके तो दोस्तों अब हम इसका नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ सी फाइंड कर लेते, नंबर ऑफ सी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना टोटल 15, कितना है 15। ओके अब दोस्तों 15 ये आ गया, अब हम क्या फाइंड करके इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ मिक्स हो जाएगा थोड़ी सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ सी क्या है हमारा, एन ऑफ सी 15 आया ओके, और क्या गया एन ऑफ एस कितना है 36, कितना 36 दोनों को 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15 3 1 3 3 2 6 तो 5 अपॉन 12 ओके, 3 5 15 एंड 3 1 3 3 2 6 ओके, तो पी ऑफ सी 5 अपॉन 12 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 5 अपॉन 12। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये भी हो गया आपका, तो ये क्वेश्चन इस तरह, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ थर्ड की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्यों लास्ट क्वेश्चन होगा ये मैं क्वेश्चन खत्म होने के बाद बताता हूँ थर्ड। ओके तो दोस्तों अब चलो करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूँ बता दूंगा मैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देयर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ पहले मैं पढ़ देता हूँ, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स इच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15, वन टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन, और कुछ इवेंट दिया हुआ है, सो इज एन इवन नंबर और हमें नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, तो ये सोल्व करना है, ये हमें दिया है, बहुत सिंपल है यार, क्या है ये, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 15 टिकट है तो सैंपल स्पेस पूरा लिखते हैं ना, 1 2 3 4 आपसे ये दोस्तों बीच में डॉट 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 करके 15 लिख सकते हैं, पर मैं पूरा लिखूंगा क्योंकि आपके लिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 एंड 15, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 15। ओके अब मार्कर, ये मार्कर तो मेरे हाथ में ही है, लेट ए बी द इवेंट दैट शोज एन इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन सा है इसमें से, इवन नंबर कौन कौन सा है बोलो फटाफट, इवन नंबर कौन सा है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है, आपको तो पता है ना इवन नंबर मतलब क्या, जिसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8
जिसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर रहे उसको हम क्या बोलते हैं, ईवन नंबर। जिनको पता नहीं हो याद कर ले, जिसकी यूनिट प्लेस पे 02468 आता हो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम ईवन नंबर। तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए दोस्तों कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार और काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब प्रोबेबिलिटी इसका क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए कैसे फाइंड करते हैं, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए हमारा कितना है, कितना है 7, और एन ऑफ एस कितना है 15। देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल 7 अपॉन 15। ओके दोस्तों, क्या हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। लेट बी द इवेंट दैट शोज नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन सा है, मल्टीपल ऑफ 5 कहाँ तक बनेंगे, 5 है, 10 है और 15 है, तीन ही तो बनेगा ना, और क्या, मल्टीपल ऑफ 5 दिया ही नहीं है, 5 है, 10 है और 15 है, इसी को मतलब 5 का टेबल यही है, 5 1 5 5 2 5 3 15। तो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। एन ऑफ बी कितना आ जाएगा, 3। देयरफॉर एन ऑफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है, 3। एन ऑफ एस कितना है हमारा, कितना है 15, कितना है 15, तो कितना आ जाएगा, 3 1 3 3 5 15। देयरफॉर आंसर इज 1 अपॉन 5। तो यहाँ अच्छे से लिखना, तो लिख दो दोस्तों, आप एक के नीचे एक लिखना, आपको पता है क्यों मैं नहीं लिख रहा हूँ, P of B equal to 1 upon 5। तो दोस्तों इसके साथ ये ख़त्म होता है, इसमें मैंने फटाफट करवाया क्योंकि वैसे ही सेम टू सेम बार बार वही रिपीट किया, कुछ ऐसा है नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि छोटी चीज़ होती है मैं भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों लास्ट में दो ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो सर दोनों क्वेश्चन करवा दो ना सर, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कार्ड्स है, कार्ड्स मतलब पता है आपको, ताश के पत्ते, क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है, क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है, बट अपने बच्चों को नॉलेज पूरा होना चाहिए, इसीलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले आगे वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर से कार्ड्स के बारे में, लास्ट वाला क्वेश्चन तो उसके पहले कार्ड्स के बारे में पूरी तरह से आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही दे सकूँ कि अपने बच्चे जहाँ भी GT फैमिली खड़ी हो तो सबसे हट के रहे और सबसे अलग रहे, वैसे तो है ही अपनी फैमिली सबसे हट के। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और इतना सपोर्ट के कारण, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं बट आपके सपोर्ट के कारण ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और अगेन दोस्तों दिल से थैंक यू, कितने बार बोलूं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।